क्या आप लोग जानते हैं कि कौवे को श्राद्ध का अन्न क्यों खिलाया जाता है? दरअसल बात त्रेता युग की है, जब श्री राम मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर सीता के बालों में पुष्प लगाकर उनका श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया और उसने सीता के पैरों में चोंच मार दिया। वह श्री राम का बल देखना चाहता था। सीता के पैरों से खून निकलता देख श्री राम ने पास पड़ा इनका उठाया और मंत्र फूंककर उसे ब्रह्मास्त्र बना दिया और उसे कौवे के पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र कौवे के पीछे पड़ गया। जयंत भागकर अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन इंद्र ब्रह्मास्त्र से पीछा नहीं छुड़ा सके। श्री राम से छल करने वाला मूर्ख जयंत भय और शौक से व्याकुल होकर सारे लोगों का चक्कर लगाता रहा। वहीं शिव और ब्रह्मा भी उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं। अंत में नारद को उस पर दया आ जाती है और वह बोलते हैं राम से केवल श्री राम ही बचा सकते हैं। जयंत श्री राम के पास भयभीत होकर जाता है और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगता है। यद्यपि उस कौवे का वध करना उचित था, लेकिन कृपालु श्री राम ने उसकी एक आँख फोड़कर उसे जीवन दान दे दिया। इसके साथ कौवे को आशीर्वाद मिला कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को खिलाया गया भोजन पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। तभी से श्राद्ध पक्ष में कौवे को श्राद्ध का भोजन कराया जाता है। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।